मेरठ में आज चौधरी सिंह विद्यालय में राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत जन जागरण और प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि वसुंधरा राजे सिंधिया ने दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद वंदे मातरम गायन हुआ। कार्यक्रम में मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मंच पर राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर और पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष अवनीश त्यागी भी उपस्थित थे। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया। वसुंधरा ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले मेरठ आने पर मेरठ वासियों को धन्यवाद दिया। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मेरठ के सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में भी पधारी, जहां सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एमएलसी सरोजनी अग्रवाल, डायरेक्टर हिमानी अग्रवाल और अनुभूति चौहान ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वसुंधरा ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी देश समझता है कि भारत को दबाव में लेकर वो दोबारा से कश्मीर में धारा 370 लागू करवा देगा, उसकी ये सबसे बड़ी भूल है। पाकिस्तान कश्मीर मामले में दखल देना बंद कर दे, ये नया भारत है, युवाओं का भारत है। भारत अब पाकिस्तान की धमकी से नहीं डरने वाला, विश्व भी इस बात को जान चुका है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक नहीं कई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान पुलवामा हमले के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं उबर पाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद हालात पहले से काफी सुधर गए हैं और उन्नति के नए रास्ते खुले हैं। वहां के लोगों को रोजगार के साधन बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।